अब इससे रिजल्ट्स क्या क्या पैदा हुए। रिजल्ट्स में हम पहले बाहर का एनवायरनमेंट देखते हैं, वो औरतें जो काम कर रही हैं तो वहां पर एक इंटरमिंगलिंग का एनवायरनमेंट, मिक्सिंग का एनवायरनमेंट, जहां मर्द और औरतें दोनों काम कर रहे हैं और एक ओपन एक्सपोजर का जो एनवायरनमेंट होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है। यूएन के जनरल असेंबली में आया था और सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में ये बात कोट हुई थी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर, पूरे यूरोपियन यूनियन में जितनी औरतें काम करती हैं उनमें से 40% का कहना है कि एट वर्क उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। 40%। अब बताओ, 100 औरतें काम कर रही है, 40 का सेक्सुअल अब्यूज हो चुका है, उनका कहना है ये। रिपोर्ट सब लोग शायद ना करें, बॉस नाराज हो जाएगा, मोर देन हाफ, दुश्मन पैदा हो जाएंगे, लेस देन हाफ, 40% नहीं, अगर उसको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो मोर देन हाफ, बिल्कुल सही, इन दैट केस इट विल गो मोर देन हाफ। तो हम ये देखते हैं कि ये एक चीज है। अमेरिका की सर्टन रिपोर्ट्स के अंदर हमने देखा कि 25% की रिपोर्ट है, और हफिंगटन पोस्ट के एक पोल के अंदर हम ये देखते हैं, उन्होंने बताया कि 13% बॉसेस होते हैं, 13% जो अपने सबॉर्डिनेट, अपने जूनियर के साथ कुछ सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, और 19% कोवर्कर्स होते हैं। तो उस रिपोर्ट के अंदर 32% का फिगर है, और इंडिया कोई बहुत पीछे नहीं है। इंडिया के अंदर भी ये रिपोर्ट थोड़ी देर में जानेंगे, बस एक वक्फे के बाद, क्योंकि वक्त हो चला एक वक्फे का। नाज़रीन देखते रहिए फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे सेक्सुअल अब्यूज की, हैरेसमेंट की ऑन वर्क प्लेसेस। तो आपने कहा कि इंडिया में भी बड़ी तादाद में ये सब हो रहा है। हम देखते हैं कि इंडिया भी कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है इस चीज़ के अंदर। इंडिया की जो अवेलेबल रिपोर्ट्स है, ऑक्सफैम इंडिया वगैरह की रिपोर्ट्स है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में प्रिंट हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 17% ऑफ विमेन एट वर्क का कहना है, 17% का कहना है कि उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है एट वर्क।